ये बताइए कि साफ योसे खान साहब ने इमरान साहब ने गुफ्तगू में कहा है कि जो लोग जिन पर जुल्म हुए तशद्दुद हुए जिन्होंने जिसने काटी उनको पार्टी में हम वापस लाएंगे, तो क्या फवाद चौधरी साहब दोबारा पीटीआई में आ रहे हैं? पहले खान साहब खैरियत से वापस आए अपने घर, फवाद साहब वापस आए और जितने लोग जेलें काट रहे हैं, जो जुल्म हो रहा है हम पे, मेरी बेटियों पे, हम सब के ऊपर, उसको ख़त्म किया जाए। जेलों में विज़िट करने से या अफ्तारियाँ करने से उनके हकूक नहीं ख़त्म हो सकते हमारे, जो पाबंदी लगाई गई है उसको ख़त्म की जाए। मेरी मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा से यही एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इतने इकदाम उठा रही हैं जेलों में जाके, तो बराए मेहरबानी इसके ऊपर भी देखिए कि जो हकूक हैं हमारे मिलने के, मुलाकात के जो टाइमिंग्स हाई कोर्ट ने भी तय किए हैं, हम बच्चियों ने जाके मेरी या मैंने जाके वहाँ पे कौन सा ख़तरा हो जाना है मुझे बताएं दहशतगर्दी का, उसको प्लीज़ अलाउ करें और इजाज़त दें मुलाकात की। पाबंदियों के ऊपर तो जेल उन्होंने भी काटी और हम भी काट रहे हैं, तो उनको बड़ी इजाज़त थी मुलाकातों की, हर तरह की मुलाकात होती थी, वीकली अपने वालिद साहब से भी विद ड्यू रिस्पेक्ट सबसे होती थी, तो हमें भी उसी तरीके की, हम भी इस मुल्क के सिटीज़न हैं और हमें भी वही राइट दिया जाए जो उनको था। फवाद चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगु में उन्होंने कहा था कि ये मौजूदा 6 माह भी नहीं चलने थे जो कुछ उन्होंने बनाया है वफाक में, तो इसकी वजह से आप क्या कहेंगे, आप मिली भी उनसे? अब देखते हैं ना, IMF में जा रहे हैं, ये तो आवाम फैसला करेगी ना कि क्या करना है। जितनी महंगाई होगी हुकूमत आपके भी सामने, 30% तो पता ही नहीं है कि वज़रा लगाए किसने। ये मरियम नवाज साहिबा के आने के बाद अडयाला के बाद जो सिक्योरिटी सख्त की गई, इसको कैसे देखें? इसके ऊपर देखिए मैं कमेंट नहीं करूँगी क्योंकि ये इसके अंदर बहुत से चीज़ें इन्वॉल्व हैं। चलें, सिक्योरिटी कैदियों का हाई प्रोफाइल वहाँ पे जितने भी लोग हैं वो वहाँ पे हैं उनके लिए बेहतर है, लेकिन जी जो मुलाकात है हम मेरी बेटियों की या और लोगों की भी, जो फैमिली मुंतज़िर हैं जो आते हैं, वो प्लीज़ अलाउ करेंगे सबसे पहले। ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जो केसेस हैं कब तक ख़त्म हो जाएंगे आपके ख्याल में? अल्लाह ही जानता है जी, मैं तो खड़ी हूँ आखिरी सांस तक फवाद के साथ और देखते हैं क्या होता है। अजीज मिसल मुझे फवाद से, मुझे फवाद भाई क्या केस था उसके बाद से क्या कहेंगे? नोटिस हो गए नैप को और अभी उसके अंदर डिसाइड ये करना है कोर्ट ने, जो कि नैप से भी ये कह रहे हैं कि हम अपोज करेंगे कि ये रिट एप्लीकेशन बनती है आपकी या आपकी बेल एप्लीकेशन बनती है या आपकी 34 समथिंग पे ऊपर डिसाइड होगी एप्लीकेशन ना, तो ये दिस गोइंग टू बी अपोज्ड बाय द फ्रॉम हमारे जो करेंगे नैप से भी करेंगे, और कैसर इमाम साहब ने इसमें आर्ग्यू किया है, तो अभी नोटिस होगी और नेक्स्ट डेट हमारा